क्या गजनी का सीक्वल आने वाला है? कौन होने वाली है इसकी अभिनेत्री? अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। कल्पना वॉज किल्ड, ये अल्फाज आपको याद ही होंगे और उसके साथ ही वो टेरर गजनी वाला लुक। दोस्तों, कहानी की मजेदार बात तो ये है कि फिल्म में लोग आमिर खान को गजनी के नाम से जानते हैं और उनके लुक को भी गजनी लुक का नाम दिया गया है, लेकिन गजनी असल में उस फिल्म के विलन का नाम है जिससे बदला लेने के लिए आमिर खान उनका टैटू बनवाते हैं उनके छाती पे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी तो आपको पता ही है क्योंकि ये काफी आउट ऑफ द बॉक्स कहानी थी। कुछ अलग था इस फिल्म में और साथ ही इसके गानों ने भी लोगों को काफी हद तक इम्प्रेस किया था। इस फिल्म में आमिर खान का तो रोल प्रशंसनीय था ही, लेकिन इनके अलावा असीन ने भी आग लगा दी थी। वैसे तो ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन उनके एक्टिंग के स्किल्स ने सभी को चकनाचौर कर दिया था और विशेषता उनका चुलबुला किरदार सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन क्या आपको पता है, असीन इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थी। जी हाँ, पहले इस रोल के लिए प्रियंका चोपड़ा को चुना गया था, लेकिन आमिर खान को इसके ओरिजिनल फिल्म में असीन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा और इसीलिए उन्होंने हिंदी के इस वर्जन के लिए भी उन्हें चुना। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्म्स में भी काम किया था और तमिल फिल्मों में इन्हें खास पसंद किया गया था, जिसमें एम कुमारन, महालक्ष्मी, गजनी, वेलारू, पोखीरी, वेल एंड दसवाथरम जैसे जाने माने नाम शामिल है। उन्होंने अपने एक्टिंग के डेब्यू नरेंद्र मकान जया कथन वका से किया था और 2003 में उन्हें अम्मा नाना तमिलिया अमाई के लिए बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस का भी खिताब मिला था। असीन एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिन्हें भरतनाट्यम और कथकली भी आता है। इन्हें इनके तमिल फिल्म गजनी के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस मिला था, फिर इसी फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए भी उन्हें चुना गया। बाद में उन्हें रेडी, हाउसफुल 2, बोल बच्चन और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्मों में भी देखा गया। इतना ही नहीं, इन्हें 8 लैंग्वेजेस भी आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि असीन से अच्छा प्रियंका ये रोल निभा पाती? खैर, खुशखबर ये है कि अब गजनी का सीक्वल आने वाला है। अब असीन तो कर चुकी है फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय। ऐसे में इस फिल्म में किस हसीना को लिया जाता है, प्रियंका या फिर कोई और, ये बात वाकई देखने लायक होगी। दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूं।